जय माता दी। दोस्तों, पूर्णागिरी शक्तिपीठ की यात्रा पर आप कैसे जा सकते हो, कहां रुक सकते हो, कितना खर्च होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। माता पूर्णागिरी का शक्तिपीठ मंदिर उत्तराखंड राज्य के टनकपुर शहर में स्थित है। माता के इस मंदिर में देवी महाकाली की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती की मृतदेह का नाभि भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। पूर्णागिरी को पुण्यगिरी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 3000 मीटर यानी कि करीब 9843 फीट है। यह क्षेत्र पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर बसे चंपावत जनपद के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके अलावा यह मंदिर के पास ही से पौराणिक युग की पवित्र शारदा नदी भी बहती है, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में है। जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी की ही भांति माता पूर्णागिरी का यह मंदिर भी सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्वी पहाड़ी जिले पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। माता पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए जाने पर हमें सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के टनकपुर शहर से होकर जाना होता है, और टनकपुर शहर से माता पूर्णागिरी के इस शक्तिपीठ मंदिर की दूरी करीब 23 किलोमीटर है, जबकि चंपावत से 95 किलोमीटर और पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर और दिल्ली से यह दूरी करीब 375 किलोमीटर पड़ती है। सड़क मार्ग से जाने के लिए टनकपुर शहर सड़क और रेल जैसी दोनों ही सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूर्णागिरी मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर में ही है। अगर आप रोडवेज बस के द्वारा दिल्ली से यहां जाना चाहते हो तो बता दें कि टनकपुर के लिए दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से रोडवेज बसों को नियमित सेवा मिल जाती है। इसके अलावा बरेली, लखनऊ और आगरा सहित उत्तराखंड के आसपास के कई अन्य राज्यों से प्राइवेट और सरकारी बसों की सीधी सेवाएँ उपलब्ध हैं। रेल मार्ग से भी आप यहां पहुंच सकते हो। अगर आप यहां रेल मार्ग के द्वारा जाना चाहते हो तो यहां का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन TPU भी इसी टनकपुर शहर में स्थित है। अगर आप हवाई जहाज़ से यात्रा करना चाहते हो, लेकिन अगर कोई यहां हवाई जहाज़ से आना चाहे तो इसके लिए यहां का निकटतम हवाई अड्डा पंत नगर में है, जहाँ से मंदिर की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। टनकपुर शहर से आगे टनकपुर के रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर पहुंचकर पूर्णागिरी माता मंदिर तक जाने के लिए आपको यहां शेयरिंग जीप की सवारी मिल जाएगी, जो कम से कम 50 से 60 रुपये में मंदिर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आप यहां से ऑटो या फिर टैक्सी बुक करके भी जाना चाहते हो तो उसकी भी सुविधा मिल जाती है, और अगर आपको अपने ही किसी वाहन से यहां पहुंचना हो तो उसके लिए यहां 10 रुपये की एक पर्ची कटवानी होती है। वैसे तो यहाँ की स्थानीय भाषा कुमाऊनी है, लेकिन यहाँ हिंदी भाषा का प्रचलन भी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा वालों को भी यहाँ निशानी नहीं होती है। यहाँ जाने के लिए आप किसी भी मौसम में जा सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि नवरात्र के अवसर पर यहाँ अधिक भीड़ होती है, इसलिए नवरात्र के समय में यहाँ रात हो या दिन हर समय लंबी लाइनें लगी रहती हैं। ऐसे में यहाँ होटल और धर्मशालाओं में भी जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में आने वाले श्रद्धालुओं को नवरात्र के विशेष अवसर पर यहाँ जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा यहाँ नए साल के पहले दिन और साप्ताहिक अवकाश जैसे दिनों में भी भीड़ देखने को मिल जाती है। यहाँ ठहरने के लिए पूर्णागिरी पर्वत से लगभग 1 किलोमीटर पहले यहाँ बहुत सारे होटल और धर्मशालाएँ मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ रात को ठहरना है तो आपके बजट के अनुसार अच्छी सुविधा वाले कई होटल या धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं और केवल दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां अपना सामान लॉकर में रखने और स्नान वगैरह करने के लिए भी यहां होटल और धर्मशालाओं में भी यह सुविधा मुफ्त में मिल जाती है। लेकिन उसके लिए यहां उनकी एक शर्त होती है कि आपको उन्हीं के पास से प्रसाद खरीदना होगा, और इस प्रकार इस प्रसाद की कीमत कम से कम 150 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक होती है। अगर आप मंदिर के लिए पैदल यात्रा करना चाहते हो तो धर्मशाला से पैदल चल करके माता पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए रास्ते में आपको कम से कम 3 किलोमीटर तक चढ़ाई करने वाले रास्ते पर चलना होता है। इसके बाद वापसी में भी 3.5 किलोमीटर की ही यात्रा करनी होती है।